नमस्कार जय हिंद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने विद आलोक में मैं यार उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा रहे होंगे ने प्रोग्राम जो की साठ दिनों का है ये लगातार बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के बीच रन कर रहा है लगातार साठ सेवन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है जहां पर जीके जीएस के साथ साथ मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश और जीके वाली क्लास भी आपको मिल रही है तो यदि आपने थोड़ा सा अपना प्रयास जारी रखा थोड़ा सा अगर आपने 10 परसेंट ही एफर्ट लगाया अपना तो मैं कहूंगा कि एक सीट इसमें पक्की है आप सभी की इसीलिए आप पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से सुबह से शाम तक जुड़े रहिए और पूरी ईमानदारी से अपनी क्लास करिए पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करिए डेली कम से कम सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद तीन घंटे आप एनालाइज करिए कि आपने कहां पर क्या पढ़ा है कौन सा विषय आपको किस तरह से पढ़ने के लिए कहां से क्वेश्चन बना सकता है आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्योंकि कल वाली क्लास में हमने पाचन तंत्र पढ़ा था अगर मैं बात करूं यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की श्वसन तंत्र की तो धरती पर जितने भी जीव हैं सभी जीवधारियों में श्वसन क्रिया होती है सभी जीवों के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा कैसे बनती है आज हमको यह जानना है अगर आप ये सोचते हैं अभी तक कि केवल सांस लेना ही श्वसन है तो कहीं ना कहीं आप गलत समझते हैं केवल श्वास लेना ही श्वसन नहीं होता बल्कि श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया में अंततः जब एडनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में ऊर्जा बन जाती है तो साथ ही उसको हम कहते हैं श्वसन क्रिया तो श्वसन क्रिया हर जीवधारी के लिए आवश्यक है क्योंकि श्वसन क्रिया में मात्र सांस ही नहीं लेते हम बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं किस प्रकार से जैसे आप समझिए कि ये हमारी कोशिका है ये हमारी सेल है साथियों हमने क्या किया हमने एयर अंदर लिया और इस एयर से हमको क्या मिला साथियों इससे हमको मिला है ऑक्सीजन दोस्तों इससे हमको मिला ऑक्सीजन ये हमको मिला एटमोस्फियर से साथियों हमने फूड ग्रहण किया और फूड से हमको क्या मिला ये फूड से हमको मिल गया ग्लूकोज ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये सब हमारी कोशिकाओं में आता साथियों ये हमारी सेल में पहुंचता है ये दोनों हमारी सेल में पहुंचता है क्या एयर से क्या मिला ऑक्सीजन फूड से क्या मिला ग्लूकोज ये हमारी हमारी सेल में पहुंचता है और सेल में पहुंचने के बाद कोशिका में पहुंचने के बाद ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को जलाता है जब ये ग्लूकोज जलता है ना तो ग्लूकोज के जलने से ग्लूकोज के दहन से एडिडोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में ऊर्जा बनती है और इसी ऊर्जा का प्रयोग हमारे शरीर का जो अंग है वो अपने कार्यों को करने में लगाता है यानी प्रिय साथियों जिस तरह से हमारे घर में बल्ब है टेलीविजन है फ्रिज है एसी है ये सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलती हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये सब ना चले मतलब बिल्कुल चल नहीं पाएगा ठीक उसी प्रकार से साथियों ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे अंग हैं आंख कान नाक जीव हृदय फेफड़ा लीवर मस्तिष्क तमाम अंग है इन अंगों को कार्य करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही ऊर्जा चाहिए होती है और वह ऊर्जा है एडिनोसिन और यह कैसे बनती यह बनती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ग्लूकोज कहां से मिलता है भोजन से मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है हमको श्वसन क्रिया से तो जब ग्लूकोज से ऊर्जा मिल जाती है ऑक्सीकरण के बाद तब इसको हम कहते हैं श्वसन ओके चलिए अब दोस्तों देखिए यहां पर धरती पर जितने भी जीव हैं सभी जीवों के अंदर सभी जीवों के अंदर कोई ना कोई ऐसा अंग है जो तंत्र में इस्तेमाल में लाया जाता है साथियों जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं आप सभी से कहते हैं दोस्तों कहते हैं साथियों कहते हैं यहां पर कि श्वसन आखिर होता क्या है यह तंत्र दोस्तों कौन कौन से होते हैं जितने कीट पतंगे हैं साथियों जितने कीट पतंगे हैं उनमें श्वसन तंत्र क्या होता है यह होता है वातक तंत्र दोस्त क्या होता है यह होता है वातक तंत्र वातक तंत्र को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ट्रैकिया या इसको हम कहते हैं स्पाइरेकल तो आखिर जो स्पाइरेकल है स्पाइरेकल या फिर ट्रैकिया के द्वारा कौन कौन से जीधारी सांस लेते हैं तो बस इतना बोलना आप लोग कीट पतंगे जितने इंसेक्ट मक्खी मधुमक्खी इन सब के अंदर क्या होता है इन सब के अंदर दोस्तों क्या होता है इनमें होता है वातक तंत्र जिनसे ये सांस लेते हैं ट्रैकिया कहते हैं कॉकरोच की अगर गर्दन कट जाए गर्दन कटने के बाद भी कॉकरोच लगभग 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 लगभग, लगभग सात दिन तक जीवित रहता है क्योंकि जो होता है जो उसका स्पाइरकल है ना वो उसके हेड से गर्दन से अलग उसके धड़ में होता है उसकी बॉडी में जितने इंसेक्ट होते हैं सबके जो स्पाइरकल होते हैं ना वो गर्दन नहीं होते गर्दन के नीचे धड़ में होते हैं ओके इसके इसके बाद दोस्तों आगे अग, बढ़ा जाए यहां देखिए कुछ में बुक बुक गिल्स होता है बुक लंग्स होता है बुक लंग्स अब जो बुक लंग्स है ना ये कौन कौन से जीवों में जैसे मान लीजिए बिच्छू है स्कारपियन बिच्छू है या फिर मकड़ी है स्पाइडर तो स्कॉर्पियन और स्पाइडर में श्वास लेने का जो अंग होता है यह होता है बुक लंग्स और इसी भांति एक और अंग है इसको हम कहते हैं बुक गिल्स साथियों बुक गिल्स ऐसे जीवों में है जो पानी में भी रहते हैं और कुछ हवा में भी रहते हैं जैसे क्या है जैसे श्रिम्प या प्राण दोस्तों प्राण मतलब झींगा 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 है ये एक्चुअली में झींगा तो साथ ही जो झींगा होता है ना इस झींगा के अंदर और इसके साथ साथ केकड़ा केकड़ा के अंदर सांस लेने के लिए बुक गिल्स होता है इनके अतिरिक्त अच्छा गिल्स भी होता है गिल्स किसको हम बोलते हैं तो गिल्स हम कहते हैं गलफड़े को देखो गलफड़ा जो होता है पानी में रहने वाले जीव जैसे कि मछलियां मछलियों के अंदर होता है जैसे कि आगटोपस आगटोपस भी पानी के अंदर रहता है दोस्तों या फिर कहते हैं जैसे मान लीजिए मछली हो गया साथियों ऑक्टोपस हो गया या इसके साथ साथ या साथियों इसके साथ साथ कहते हैं जैसे सीपिया आप जानते होंगे सीपिया सीपिया है सीप दोस्तों तो यूनियो जिसको बोलते हैं घोंघा तो इन सब के अंदर जो श्वसन अंग होता है वह रहता है गलफड़ा गलफड़े ऐसे होते हैं जो वायु में जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं अच्छा इनके अतिरिक्त देखिए क्लोम साथियों क्लोम यानी कि त्वचा त्वचा के द्वारा कौन कौन से जीव सांस लेते हैं तो आपने सुना होगा केचुआ का नाम केचुआ अर्थवर्म और लीच इसको हम बोलते जोक साथियों जोक होती है जोंक या फिर कहते हैं स्कैरिस इस और इसके बाद त्वचा व फेफड़ा त्वचा व फेफड़ा या दोनों किस के अंदर होता है प्रिय साथियों तो त्वचा और फेफड़ा दोनों किस में होता है आप जानते रहे यानी स्किन और क्लोम और लंग्स ये होता है मेंढक के अंदर मेंढक यानी कि जो यह एम्फीबिया दोस्तों होता है मेंढक इसके अंदर होता है मेंढक के अंदर तो मेंढक में क्या होता है त्वचा भी होती है और फेफड़ा भी होता है कैसे जब मेंढक बाहर होता है साथियों जब मेंढक बाहर होता है तो बाहर मतलब यह है जब पानी से बाहर होगा तो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है ये अपने फेफड़े को लेकिन जब पानी के अंदर रहता है तब उस समय इस्तेमाल करता है दोस्तों अपने त्वचा को और इसके अतिरिक्त साथियों अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें जैसे कि अस्तनधारी साथियों जो अस्तनधारी होता है इसमें सॉरी फेफड़ा जो फेफड़ा होता है नॉर्मल फेफड़ा होता है फेफड़ा यह सभीधारियों में साथी होता है सभी अस्तंधारी में फेफड़ा होता है जैसे कि कहते हैं जितने भी होते हैं मैमेरिया और मैमेरिया के साथ साथ जितनी पक्षियां होती है पक्षी वर्ग क्लास एवेस है और सभी रेप्टाइल्स जिनको हम कहते हैं सरीसृप जितने रेप्टाइल होते हैं ना रेंगने वाले प्राणी उन सभी रेंगने वाले प्राणियों में भी अंग साथियों यही होता है। ओके तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये सभी क्या होगा ये सभी होता है आशा करता हूं कि यहां से चीजें आप सभी को वेल अच्छे समझ में आ चुकी होंगी ठीक है अब देखिए साथियों जो हमारा फेफड़ा होता है वो कैसा होता है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमारे फेफड़े कुछ इस प्रकार के होते हैं दोस्तों इस फेफड़े के बारे में पूरी बातचीत हमारी होगी कि फेफड़ा कैसे काम करता है इसका दोस्तों फंक्शन कैसा है ओके ना और क्या इसमें हम जान सकते हैं अगर मैं आप सभी से फेफड़े की बात करूं तो देखिए हमारी पूरी बॉडी में दो फेफड़े हैं स्पंजी होता है रुईदार होता है बहुत जल्दी दबता है लेकिन यहाँ पर केवल फेफड़ा ही नहीं बल्कि यहां पर पूरा हमारा श्वसन तंत्र है जिसके जिसको आप यहां पर देख पा रहे हो अगर इस श्वसन तंत्र की मैं बात करूं तो बहुत ध्यान से बहुत इत्मीनान से मेरी बातों को सुनिए और समझिए कहते हैं कि सबसे पहला जो इसमें भाग होता है वह है नोस्ट्रिल साथ ही नोस्ट्रिल क्या है नोस्ट्रिल जिसको हम कहते नासा द्वार अगर नासा द्वार को ध्यान से आप देखेंगे ना यही से एयर सबसे पहले एंटर करती है कहां पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही जो नासिका के छिद्र है ना इनको हम कहते हैं नोस्ट्रिल और इसके बाद इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे जो ये हिस्सा होता है इसको हम कहेंगे नेजल चेंबर यानी इसको हम नासिका बोलते हैं इसको दोस्तों हम तो क्या बोलते हैं इसको हम नासिका बोलते हैं तो जो नासिका हमारी होती है अगर नासिका के बारे में बातचीत करी जाए तो साथियों जो नासिका हमारी होती नासिका के अंदर बहुत महीन महीन बाल होते हैं साथियों नासिका के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो नासिका के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं साथियों ये बाल ऐसे होंगे दोस्तों ये ऐसे बाल होते हैं जो बाहर एयर के साथ आने वाले जो एयर के साथ आने वाले डस्ट को किसको डस्ट को डियों या फिर कहते हैं या फिर बैक्टीरिया को इन सबको यहीं पर रोक देते हैं मतलब ये एयर को फिल्टर करने वाला काम करता है तो यहां पर जो बाल होते हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं क्लियर लेकिन आजकल देखिए वैक्स चल रहा है करवाते हैं वैक्सीन में इसको सब बाहर कर देते हैं कितना हानिकारक है इसके बाद आगे साथियों आगे होती है नेजल कैविटी नेजल कैविटी तो इसको कहते हैं नासिका गुहा इस नासिका गुहा में म्यूकस मेम्ब्रेन साथियों क्या होती है यहां पर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन और इन्हीं म्यूकस मेम्ब्रेन से पर डे लगभग 600 ml म्यूकस निकलता है म्यूकस मतलब होता है लिक्विड और जो म्यूकस निकल रहा है इसका बड़ा काम होता है जो म्यूकस निकल रहा है देखो कितना उपयोगी है जब हम ठंडी के समय एयर ग्रहण करते हैं तो ठंडी में कभी-कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से पांच डिग्री सेल्सियस होता है जब गर्मी में हम एयर ग्रहण करते हैं तो कभी कभी तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो ठंडी में तापमान बहुत ठंडा गर्मी में तापमान बहुत गर्म अगर इतना ठंडा और गर्म तापमान हम लेंगे तो साथियों ऐसे में क्या होगा ऐसे में हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं साथियों ऐसे में हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं तो यहां पर जो ये म्यूकस होता है जो लिक्विड निकलता है ना ये म्यूकस इन वायु के तापमान को बॉडी के तापमान के बराबर करके तब जाकर के अंदर भेजते हैं दोस्तों इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होगा साथियों इसके बाद यहां पर होता है ऑल फैक्ट्री रीजन दोस्तों यहां पर यह होता है ऑल फैक्ट्री एरिया जो ऑल फैक्ट्री एरिया होता है ऑल फैक्ट्री एरिया साथियों के, के लिए तो यह होता है हमारे गंध ज्ञान के लिए मतलब यहां पर हम सभी को स्मेल और फ्रेगनेस की अनुभूति होती है और इसके बाद देखेंगे ये जो ऑर्गन साथी इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं फेरिंग्स मतलब फेरिंग्स क्या है इट इज अ कॉमन पार्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड

और जो वेव यहां से निकलेगी यही जब बाहर आती है तो बाहर धूल धूल के कण हैं वायु के कण हैं इन पर कंपन करती है और कंपन करने से तब ध्वनि बन जाती है तो यहां से वेव निकलेगी इसको हम साउंड बॉक्स कहते साथियों यही जो कंठ होता है इसी कंठ के पास से दो रास्ते निकले होते हैं एक रास्ता निकला होता है हमारी श्वास नली के रूप में और एक निकलता है ग्रास नली के रूप में तो यानी ये दोस्तों यहां पर दो गेट रहेंगे एक गेट होता है श्वास नली पर और एक गेट रहता है आपकी ग्रास नली पर यहां जो फूड पाइप वाला गेट है इसको हम कहते हैं गलट और यहां जो एयर पाइप दोस्तों गेट होता है इसको हम कहते हैं ग्लोटिस तो एयर पाइप और लेरिंग्स के बीच जो गेट है उसको ग्लोटिस बोलेंगे और फूड पाइप और गलट के बीच जो गेट दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे आपका गलट ओके तो यहां पर लेकिन इन दोनों के संयुक्त भाग को कॉमन पार्ट को हम कहते हैं एपी ग्लोटिस एपी ब्लॉट दोस्तों इसको हम बोलते हैं ओके okay, तो यहां पर इतना पॉइंट और देखिए इसके इसके बाद अब इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमारे लैरिंग्स के बाद जो ये आपको रिंग नुमा आकार दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे इसको हम बोलते हैं श्वास नली यानी ये हमारी ट्रैकिया होती है जो ट्रैकिया हमारी होगी साथियों अगर इस ट्रैकिया के बारे में बात करी जाए तो ये लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी उपास्थियों से बनी हुई कार्टिलेज से बनी हुई 15 से 20 इनकम्प्लीट रिंग वाली एक रचना होती है जो एयर को सीधे लेरिंग से उठा करके फेफड़े में पहुंचाती है तो यहां जो ट्रेकिया है यह कार्टिलेज की बनी होती है 11 सेंटीमीटर लंबी होती है 15 से 20 इनकम्प्लीट इसमें रिंग होते हैं तो ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है ट्रेकिया हमारे एयर को कंठ से लेरिंग से उठा करके फेफड़े में भेजती है ये ट्रेकिया हमारे फेफड़े में लंग्स में इंटर करने के पहले एक और दो दो हिस्से में दोस्तों बढ़ गई है और इसको यहां पर हम क्या बोलेंगे साथियों दो हिस्से में बढ़ गई है तो इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई साथियों इसको हम ब्रोंकाई नाम देते हैं दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं ब्रोंकाई कहते हैं यानी श्वास नली ट्रैकिया फेफड़े में पहुंचने से पहले दो हिस्सों में बढ़ गई है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं साथियों जो ब्रोंकाई होती है ये फेफड़े में एंटर करने के बाद ब्रोंकाई हमारे फेफड़े में एंटर करने के बाद राइट वाले में तीन और लेफ्ट वाले में दो के रूप में बट जाती है यहां जो राइट वाला लंग्स होता है यहां पर आखिर यहां पर तीन क्यों है ही यहां पर तीन ब्रोंकियोल्स क्यों है तीन ब्रोंकियोल्स इसलिए हैं क्योंकि यह दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है अब इन ब्रोंकियोल से आप देखोगे महीन महीन धागे नुमा कुछ स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं यह स्ट्रक्चर सौ किलोमीटर स्क्वायर जितने लंबे हो सकते हैं और इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि तंत्र की इकाई इनको हम बोलते हैं और इनका नाम एल्वुलाई है साथियों ये एल्वुलाई होती हैं इनको हम कूपिकाएं कहते हैं जो कूपिकाएं होती है ना यही गैसियस एक्सचेंज करती हैं मतलब यही जो कूपिकाएं होती हैं ये गैसों का विनिमय करती है कैसे देखो साथियों होता यह है कि जो हमारा हमारी बॉडी से क्या होता है हमारी पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है हमारे हार्ट में और हार्ट से आता है हमारे फेफड़े में यह ऐसा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और आपको पता है कि जो हमारा फेफड़ा है ये प्योरिफिकेशन करता है ब्लड को शुद्ध करता है तो जैसे ही ब्लड आया हार्ट से इनप्योर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला फेफड़े में तो कूपिकाएं क्या करती हैं कूपिकाएं ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके क्या करती हैं ये बाहर कर देती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके बाहर कर देती हैं और जो ऑक्सीजन बाहर से आती है उस ऑक्सीजन को इस ब्लड में मिला करके पुनः हृदय में भेज देती हैं और इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्राप्त कर लेती हैं कहां से साथियों प्राप्त करती है, हमारे इंप्योर ब्लड जो फेफड़े में आ रहा है इसको प्राप्त करके बाहर कर देंगी और जो बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है इसको उसी ब्लड में मिला करके ब्लड को शुद्ध कर देती है तो ये काम होता है एल्बुलाई का प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड और फिर वही प्योर ब्लड पूरी बॉडी में जाता है इसके बाद। इसके बाद बाद साथियों अगर देखा जाए तो यहां पर यहां पर जो एल्बुलाई के बाद ये हमारे फेफड़े होते हैं फेफड़े दो हैं राइट और लेफ्ट राइट वाला बड़ा होता है क्योंकि अधिक फंक्शन करता है लेफ्ट वाले फेफड़े के पास यहीं पर हमारा यहीं पर हमारा हृदय होता है और हृदय हमारा हार्ट होता है और हार्ट होने के कारण ये छोटा होता है फेफड़े हमारे ये रेड कलर के होते हैं रेड या पिंक कलर के ये बहुत स्पंजी होते बहुत तेज दबते हैं बहुत तेज फैलते हैं कहते हैं साथियों जो हमारे फेफड़े होते हैं इनके जो इनका सबसे बाहरी लेयर है इसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन और ये प्लूरल मेम्ब्रेन बनी होती है एपिथेलियल की प्लीवल मेम्ब्रेन ये एपिथेलियम की बनी होती है और ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो हमारे फेफड़े की सुरक्षा करती है ओके साथियों अब देखिए ये फेफड़ा हमारे एयर को इनहेल और एक्सेल करता है फेफड़े के जस्ट नीचे एक और स्ट्रक्चर रहता है इसको हम कहते हैं डायाफ्राम डायाफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो हमारे थॉरिक्स को हमारे वक्ष को थॉरिक्स को हमारे एबडोमन एरिया से मतलब हमारे हमारे आ, दोस्तों उधर गुहा से अलग करता है ओके क्या करता है ये जो है जो हमारा ये फेफड़ा है फेफड़े को हमारे पेट से ये डायाफ्राम अलग करता है तो इसका नाम डायाफ्राम है इसको हम कहते हैं डायाफ्राम डायाफ्राम एक ऐसा अंग होता है जो हमारे जो हमारे थॉरिक्स को हमारे एब्डोमेन से अलग कर देता है गर्भवती महिलाओं में गर्भ को ऊपर आने से रोकता है और जब हम एयर अंदर लेते हैं तो हमारा फेफड़ा एक्सपेंड करता है फैलता है अंदर लिया फेफड़ा फैल गया जब फेफड़े हमारे एक्सपेंड करते हैं ना तो उनको आवश्यक स्थान चाहिए और आवश्यक स्थान देने के लिए डायाफ्राम यूं। और जब हम साथ छोड़ेंगे डायाफ्राम यू तो डायाफ्राम इस तरह से इस तरह से होता रहता है दोस्तों ऐसे होता रहता है ओके तो मे भी आपको समझ में आ चुका है अब आगे बढ़ेंगे साथियों देखिए इसके बाद ये तंत्र के बारे में समझ लिया हमने आइए हम समझते हैं किसको हम कहेंगे श्वसन साथियों अगर हम श्वसन की बात करें अर्थात अगर हम बात करें यहां पर रेस्पाइरेशन की तो एग्जैक्टली श्वसन की क्या परिभाषा हो सकती है साथियों एग्जैक्टली रेस्पायरेशन की क्या परिभाषा हो सकती है अगर हम इसके विषय में बातचीत करें तो आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए रेस्पाइरेशन साथियों हर एक जीव में होता है किसी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और किसी में ऑक्सीजन की एबसेंट में अगर हम बात करें यहां पर श्वसन की तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं यह एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है मतलब श्वसन एक ऑक्सीकारक अभिक्रिया है जिसमें सबसे पहले जो हम भोजन करते हैं वह डाइजेस्ट होता है उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकाओं के अंदर उस भोजन का अपघटन होता है जिसके फलस्वरूप एडनोसिन के रूप में ऊर्जा बनती है और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल हमारी बॉडी के सारे अंग करते हैं दोस्तों यहां पर अगर हम इसकी परिभाषा लिखे तो हम कह सकते हैं यहां पर कहेंगे श्वसन क्या है तो श्वसन एक आक्षिकारक अभिक्रिया है श्वसन क्या है श्वसन एक ऑक्सी अभिक्रिया है ऑक्सी कारक अभिक्रिया है अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में उपस्थिति या अनुपस्थिति में सामान्य शरीर तापमान पर सामान्य शरीर तापमान पर तापमान पर विभिन्न एंजाइमों की सहायता से विभिन्न एंजाइमों की सहायता से एंजाइमों की सहायता से से भोजन का का अपघटन होता है होता है था परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप स्वरूप एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में ऊर्जा बनती है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट ट्राइफास्फेट के रूप में के और रूप में ऊर्जा बनती है के रूप में ऊर्जा बनती है ऊर्जा बनती है ओके अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि भोजन का अपघटन हो रहा है यानी इसमें भोजन का विनाश हो रहा है और जब भोजन का विनाश होगा तो साथियों क्या कहेंगे कि यह एक यह एक कैटाबोलिक प्रोसेस है कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब यह होता है कि साथियों साथियों इसका मतलब यह होता है कि इसमें ऊर्जा का विनाश दोस्तों होता है तो यह जो है यह एक प्रकार की विनाशात्मक क्रिया होती है कैटाबोलिक प्रोसेस है और कहेंगे कि इसमें इसमें या कहेंगे इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे क्यों कहेंगे क्योंकि इसमें क्या हो रहा है इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया करते कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे और इसको इसलिए कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन क्योंकि इसमें ग्लूकोज क्या है ग्लूकोज एक जैविक ऊर्जा का स्रोत है जो कि पेड़ पौधों से मिल रहा है भोजन से मिल रहा है और उससे क्या बन जा रहा है एडनोसिन ट्राई बन रहा है यानी ये दोस्तों ये क्या रासायनिक ऊर्जा होती है तो इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और ध्यान देना यह एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया भी है यह भी क्वेश्चन बन सकता है, कहते क्रिया है तो यह एक, एक, एक अनैच्छिक क्रिया है और सभी अनैच्छिक क्रियाओं का जो सभी इनवॉलेंट्री एक्शन का जो सेंटर पॉइंट है साथियों सेंटर ऑफ कंट्रोल इसका होता है वह रहता है मेडुला अबलांगेटा दोस्तों कहते तो तो कहते हैं सेंटर ऑफ कंट्रोल सेंटर ऑफ कंट्रोल इसका दोस्तों क्या है यह है मेडुला अबलांगेटा दोस्तों यानी का हिस्सा है मेडुला अबलांगेटा यहीं पर यह कंट्रोल होती है यह बातें आप ध्यान देना जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती सारा सभी जो है यहीं पर कंट्रोल होंगी यह पॉइंट समझते रहिएगा और कहते हैं रेस्परेटरी रेट श्वसन दर कितनी होनी चाहिए तो श्वसन दर अगर हम देखें यहां पर तो जो न्यू बेबी होता है नवजात शिशु जो होता है किसी नवजात शिशु के अंदर जो उसकी जो श्वसन दर उसकी होती है वो लगभग दोस्तों कितनी होती है लगभग 28 से तीस बार प्रति मिनट होती है और वहीं अगर देखा जाए किसी वयस्क के अंदर एक एडल्ट के अंदर तो एडल्ट के अंदर आप देखेंगे लगभग चौदह से लेकर के अठारह बार उसकी श्वसन दर होती है और इसके अतिरिक्त साथियों कहते हैं अगर आप देख पाएंगे किसी वृद्ध के अंदर तो एक वृद्ध के अंदर देखेंगे तो साथ लगभग क्या लगभग जो है चौबीस बार प्रति मिनट तो ये होती है तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट दोस्तों तो इतना होता है इसके बाद देखें अगर हम समझेंगे यहां पर कि रेस्पाइरेशन एक्चुअली में कितने प्रकार का होता है हमने अब तक समझ लिया है कि आखिर क्या होता है लेकिन अगर हम जाने कि एक्चुअली में क्या होता है, किसको हम कहते हैं तो यहां पर यह भी बड़ी मजे की बात है देखो रेस्पाइरेशन यानी कि श्वसन श्वसन की डेफिनेशन क्या होती है हमने देख लिया है अब रेस्पायरेशन कितने प्रोसेस में साथियों होगा आइए हम इसको समझते हैं तो साथियों सबसे पहले क्या कहते हैं कि रेस्पायरेशन के दो प्रकार हैं, यानी इसके दो प्रकार हैं और दोनों प्रकार कौन कौन से हैं डिस्कशन इस पर पर भी हमारा यहां पर होगा। अगर इसके हम दो प्रकारों की बात करें तो समझिए आप लोग कहेंगे पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, जिसको हम कहते हैं श्वसन यानी फर्स्ट क्या होगा फर्स्ट होगा वाह श्वसन स्वसन जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पाइरेशन वाहन तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन और ये अगला होता है आपका आंतरिक श्वसन जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन तो वाह श्वसन क्या होता है और आंतरिक क्या होता है इंटरनल रेस्पायरेशन तो आइए हम इस पर थोड़ा सा विचार कर ले कि एक्चुअली में क्या होता है और आंतरिक क्या होता है भाई देखो चीजें इंपॉर्टेंट है हमको समझना तो पड़ेगा ही साथियों अगर हम वाह और अंत की बात करें तो जो वाह होता है वाह श्वसन हमारे फेफड़े में संपन्न होगा दोस्तों कहते हैं कि यह हमारे फेफड़े तक ही संपन्न रहता दोस्तों यहीं तक सीमित रहता है तो इसको हम कहते हैं वाह श्वसन आखिर क्यों वाह श्वसन क्या होता है आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं साथियों कहते हैं कि एयर का साथियों वायु का एयर का हमारे फेफड़े तक आना ओके और एयर का फेफड़ों से बाहर जाना ओके एयर का फेफड़ों तक आना लंग्स तक आना और एयर का लंग्स से बाहर जाना यह होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इसमें दोस्तों क्या होगा इसमें ऑक्सीजन अंदर आ रही है और सीओ टू समेत अन्य गैसें क्या हो रही है बाहर जा रही है तो यह प्रोसेस केवल हमारे फेफड़े तक ही सीमित रहता है इसको हम कहते हैं यानी एटमोस्फियर से दोस्तों तो से atmosphere से atmosphere से से का air का का में में आना और lungs से air का atmosphere में जाना कौन सी से आएंगी? Oxygen आएंगी. कौन सी सी जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्योंकि यह क्रिया हमारे फेफड़े तक ही रह गई बाहरी बाहर ही बाहर खत्म हो गई इसके बाद अगर इंटरनल शादी बात करो अगर मैं बात करूटर की तो कहते हैं कि अब देखो यहां पर क्या दोस्तों यहां पर ऑक्सीजन है कहते हैं कि ऑक्सीजन का हमारे ब्लड के द्वारा सेल फेफड़ों से सेल तक आना तो मतलब दोस्तों कहेंगे मतलब फेफड़ों से ऑक्सीजन का ब्लड सेल में पहुंचना फेफड़ों से ऑक्सीजन का ब्लड सेल में पहुंचना और ब्लड सेल में बन रही कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक पहुंचना ओके इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन क्योंकि यह प्रोसेस हमारी सेल के अंदर होता है तो इसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन भी कह देते हैं ओके दोस्तों तो यहां देख लीजिए यहां एयर एटमोस्फियर से फेफड़े तक ही रही है लेकिन देखो यहां बाहर बार हो रही है लेकिन दोस्तों यहां पर क्या हो रही है यहां पर लंग्स से हमारे फेफड़े से जो एयर हमारी सेल के अंदर जा रही है ये इंटरनल होता है तो ये इंटरनल है ये फेफड़े से कोशिकाओं के बीच हो रहा है और ये एटमोस्फियर से हमारे फेफड़े के बीच हो रहा है ओके चलिए आगे दोस्तों अगर यहां पर आगे बातचीत करी जाए तो कहते हैं कि श्वसन कितने प्रकार दोस्तों होता है तो यहां देखो यहां पर एक प्रोसेस है पहला स्वाचोसवास जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग साथियों ब्रीदिंग क्या होती है स्वाच्छोवास ब्रीदिंग का मतलब यह होता है कहते हैं निश्चित मात्रा में कहेंगे इन सर्टन अमाउंट निश्चित मात्रा में फेफड़ों में ऑक्सीजन का आना और निश्चित मात्रा में फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना जब हम निश्चित मात्रा में एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं और ब्रीदिंग के दो चरण होते हैं कौन कौन से इसके दो स्टेप ये होंगे एक होता है इंस्पायरेशन जिसको हम कहते हैं निश्वसन और एक होता है एक्सपायरेशन जिसको हम कहते हैं उच्छ्वास इंस इन्स, इंसपाइरेशन इंस्पायरेशन और एक होता है उच्छ्वास जिसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन तो सबसे पहले ब्रीदिंग एक बार और समझिए आप लोग ब्रीदिंग का मतलब यह है कि एयर ने निश्चित मात्रा में एयर का निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन का फेफड़े में आना निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से बाहर निकलना जब निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन आएगी और सीओ टू बाहर जाएगी इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग तो इसको ब्रीदिंग कहते हैं ब्रीदिंग के दो स्टेप हैं। एक एयर जब अंदर जा रही है वो अलग है और जब बाहर आती है वो अलग है जैसे पहला है निशोषण कहेंगे निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन का फेफड़ों तक पहुंचना निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन का फेफड़ों में पहुंचना इसको हम कहेंगे इंस्पायरेशन इसमें क्या होता है लगभग 220 सौ से लेकर के 240 सौ ऑक्सीजन ये हमारे फे, फेफड़ों में आ रही है एक बार सांस लेने में और कहते हैं निश्चित मात्रा में फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना लगभग 260 से लेकर के 280 दो सौ दोस्तों क्या होता है CO2 बाहर निकल रहा है इसको हम कहेंगे एक्सपायरेशन देखिए तो यहां पर इन दोनों को मिलाकर के पांच सौ एम एयर होती है और दोनों को जब मिलाएंगे तो पढ़ेंगे उसको इसके बाद देखो साथियों इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वह है गैसों का विनिमय जिसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज तो गैसियो गैसियस एक्सचेंज क्या है अर्थात गैसों का विनिमय क्या है अगर गैसों के विनिमय पर मैं बात करूं आप सभी से तो इसको कहते हैं एक्सचेंज 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 कहेंगे गैसियस एक्षेंज। गैसियस एक्षेंज। देखो आप लोग मतलब हम लोग कुछ गैसे अंदर कर रहे हैं कुछ गैसे बाहर कर रहे हैं कौन सी गैस अंदर कर रहे हैं कौन सी गैस बाहर कर रहे हैं इसकी बात करेंगे जैसे मान लीजिए अगर यहां देखा जाए तो कहते हैं कि जो हम गैसें ग्रहण करते साथियों इनमें अगर देखा जाए तो कुल गैसों की मात्रा कितनी होती है जैसे अगर यहां पर मैं कहूं आप सभी से तो तीन चार गैसें हमारे अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं ठीक है ना इस फिगर को मैं कहीं और बनाऊंगा ज्यादा बेहतर रहेगा आप सभी के लिए जैसे मान लीजिए अगर इसको हम यहां पर बनाए तो अच्छे समझेंगे तो यहां मैं कहूंगा गैसों का कुल अमाउंट कितना है कौन सी गैस कितना इनहेल कर रहे हैं अपने ब्लड में और कौन कितना एक्सल करते हैं ये हमको जानना है दोस्तों है ना तो जैसे अगर कहा जाए अगर कहा जाए कि गैसों का विनिमय गैसियस एक्सचेंज तो गैसियस एक्सचेंज हम कैसे कर रहे हैं देखिए तो यहां पर कहेंगे सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ गैस टोटल अमाउंट ऑफ गैस इनहेल इनहेल इन ब्लड इनहेल इन ब्लड या एक्सेल एक्सेल इन एटमोस्फियर तो सबसे पहले भैया N2 है नाइट्रोजन इसका कुल cool अमाउंट कितना होता है सेवेंटी एट परसेंट होता है हंड्रेड परसेंट एयर में क्योंकि हम जब एयर लेंगे ना तो हम हंड्रेड परसेंट एयर को ग्रहण करेंगे साथियों इसके बाद देखिए आगे होती है ऑक्सीजन कितनी होती है यह होती है ट्वेंटी वन परसेंट दोस्तों इसके बाद क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ये सभी गैसे होती है अब इसमें ध्यान दो आप सभी लोग साथियों इसमें क्या होता है इसमें होता यह है कि हम लोगों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है नहीं जीरो परसेंट है तो जितना लिया उतना दोस्तों बाहर कर दिया सेवेंटी एट परसेंट उसको हमने बाहर कर दिया दोस्तों इसके बाद देखिए आपकी ऑक्सीजन है इसको चार परसेंट हमने यूज में लिया है बाकी दोस्तों क्या है बाकी सेवेंटीन परसेंट इसको हमने बाहर कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यूज के लिए जीरो परसेंट है बट इसको हम चार परसेंट बाहर कर रहे हैं तो चार परसेंट कहां से बाहर कर रहे हैं ये कहां से बन गया साथियों ध्यान दीजिए आप लोग क्योंकि हमारी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण निरंतर लगातार कर रहा है ओके ना इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या बन रहा है सिक्स सीओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस एडनोसिन ट्राइफास्फेट बन रही है यही जो लगातार कोशिकाओं के अंदर CO2 बन रहा है ना उसी CO2 को हम बाहर करते हैं चार के रूप में समझ गए ना आप देखो ये हो गया गैसियस एक्सचेंज और गैसियस एक्सचेंज के बाद दोस्तों क्या है आगे आगे होता है आंतरिक मतलब आंतरिक श्वसन साथियों अगर मैं आप सभी से आंतरिक श्वसन की बात करूं तो इसके बारे में कहते हैं कि यह एक ऐसा श्वसन है जहां हम एयर को दोस्तों एयर को क्या करते हैं ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों से अपने ब्लड सेल में पहुंचाते हैं दोस्तों ब्लड सेल में किसको ऑक्सीजन को दोस्तों ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से बाहर करते हैं तो कहेंगे ऑक्सीजन का ब्लड सेल में पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड सेल से बाहर निकलना इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पाइरेशन इस क्रिया में ब्लड बहुत जरूरी है लेकिन हाइड्रा के अंदर हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जिसमें ब्लड की आवश्यकता नहीं होती यह रेस्पिरेशन करने के लिए साथियों अगर आगे बढ़ा जाए तो यह भी तीन प्रोसेस यानी इसमें भी तीन स्टेप होते हैं साथियों फर्स्ट क्या है फर्स्ट होता है गैसों का परिवहन गैसों का परिवहन अभी आपने देखा था इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस अभी आपने देखा कि जो जो ऑक्सीजन है यह फेफड़े से कहां पहुंची ब्लड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सेल से बाहर गई फेफड़े में तो इनको अंदर बाहर कौन कर रहा है इसके बाद अगला आता है अनाक्सी श्वसन जिसको हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन और साथियों एक होता है ऑक्सी श्वसन नंबर थर्ड ऑक्सी श्वसन इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन तो इसको आप आइए अच्छे से हम लोग और पढ़ते हैं तो गैसों का परिवहन क्या हो सकता है मतलब फेफड़े से ऑक्सीजन को ब्लड में कौन भेज रहा है और ब्लड में लगातार बन रही सेल में लगातार बन रही कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ला रहा है हमारे फेफड़े तक देखिए दोस्तों अगर यहां पर बातचीत करी जाए गैसों के परिवहन की तो साथियों दो गैसें ऐसी होती हैं जिनका परिवहन हो रहा है दो गैसें कौन कौन सी हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन गैस है यही दो गैसें दोस्तों होती हैं तो कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस इन दोनों गैसों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ऑफ गैसेस तो साथियों दो गैसें हैं पहली गैस कौन सी है पहली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ओके कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही इसको क्या करते हैं हम लोग इसको ब्लड से दोस्तों बाहर करते हैं फेफड़े तक दोस्तों और दोस्तों ऑक्सीजन होती है इसको फेफड़े से लाते हैं साथ ही लोग ब्लड सेल दोस्त लाते हैं ब्लड सेल में ओके ना तो यहां पर दो गैसों का परिवहन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने के लिए होता है बाईकार्बोनेट बाईकार्बोनेट क्या करता है यह लगभग लगभग सेवेंटी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड से निकाल करके फेफड़े तक पहुंचाता है दोस्तों इसके बाद क्या होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रही है इसके बाद आपका आता है दोस्तों क्या आता है ब्लड प्लाज्मा जो ब्लड प्लाज्मा होता है ब्लड प्लाज्मा लगभग लगभग 7 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से निकाल करके ब्लड में भेजता है और ब्लड क्या करता है उसको फेफड़े में पहुंचाता है इसके बाद देखो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है हीमोग्लोबिन तो आप जानते हैं हीमोग्लोबिन 97 परसेंट ऑक्सीजन का परिवहन करती है हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन का अणु लगभग दोस्तों चार ऑक्सीजन के अणुओं को बाइंड करता है और एक एम एल दोस्तों एक ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 पॉइंट ऑक्सीजन को लेकर चलती है ओके ना और जो प्लाज्मा होता है ब्लड प्लाज्मा यह लगभग तीन परसेंट तीन परसेंट ऑक्सीजन को फेफड़े से ब्लड सेल में भेजती है ओके अब इसके बाद दोस्तों अगला है श्वसन आखिर ये क्या होता है साथियों यह कौन सी विपदा है श्वसन इसको हम कहते हैं अनाक्षी श्वसन मतलब अनाक्षी मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है नाम से साथियों स्पष्ट है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है कहेंगे एनारोबिक रेस्पाइरेशन एनअरबिक रेस्पाइरेशन साथियों ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन के अड़ुओं का विघटन होना होना होता है इसमें क्या होता है इसमें जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जरा सोचिए जब हम दौड़ते हैं जब दौड़ते हैं तो हम लोग बहुत कम सांस ले पाते हैं और जब कम सांस हम ले पाते हैं तो कम सांस ले पाने के कारण हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है और ऑक्सीजन घट जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है तो यही कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ग्लूकोज को पूरा तोड़ नहीं पाता और केवल दो एटीपी ऊर्जा बनती है जिससे कि हमारी बॉडी थक जाती है जहां पर 38 एटीपी ऊर्जा बननी चाहिए ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में वहां पर केवल दो एटीपी बनती है तो बॉडी हमारी थक जाती है और हमें थकान का अनुभव होता है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है चलिए आगे तो दोस्तों कहते हैं अनाक्षी श्वसन यहां पर कहेंगे कहेंगे यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है मतलब एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है अनुपस्थिति में होती है में होती है इसमें ग्लूकोज का इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन मतलब ग्लूकोज जो है पार्शियली डाइजेस्ट होता है इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन आंशिक विखंडन विखंडन ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है यह सब प्रश्न बनते मतलब साइटोप्लाज्म में होता है कोशिका द्रव्य में होता है में होता है जिसके फल स्वरूप या जिसके परिणाम स्वरूप जिसके फल स्वरूप चार एटीपी, चार एटीपी तथा तथा दो पायरविक अम्ल दो पायरविक अम्ल अम्ल। के अणु बनते हैं के अणु बनते हैं बनते हैं और इस क्रिया को इस क्रिया को इस क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं <स्तिन> क्या कहते हैं इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस इस क्रिया को ग्लाइको कहते हैं कहते हैं ग्लाइकोलिसिस कहते हैं इस क्रिया में दो एटीपी दो एटीपी नष्ट हो जाती है मतलब ग्लाइकोलिसिस में इस क्रिया में दो एटीपी नष्ट हो जाती है हो जाती है अंत में दो ए टीपी अणु ही बचते हैं अड़ु ही बचते हैं। दोस्तों अंतिम में केवल दो ए टीपी ही बचते हैं इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर जो पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है साथ ही वो पॉइंट ये बनता है जैसे कि यह क्रिया कहाँ होती है तो कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर होती है यानी दोस्तों क्या होता है कि जब देखो जब ऑक्सीजन नहीं होती ना तो हमारी सेल के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर इस ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करता है कहां दोस्तों सेल के अंदर कहां पर साइटोप्लाज्म में हमारे कोशिका द्रव्य के अंदर यह इसको तोड़ने की कोशिश करेगा लेकिन इसको तोड़ नहीं पाता केवल दो ही एटीपी अणु बनता दोस्तों और क्या बनता है दो पायरविक अम्ल के अणु बन जाते हैं दोस्तों दो क्या बनते हैं दो पायरविक अम्ल के अणु बनते हैं और यह क्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है समझ गए ना तो साथियों इसमें क्या होता है दो पार्विक अम्ल के अणु बनते हैं और इस क्रिया को ग्लाइकोलिस कहते हैं और के प्रोसेस में दो एटीपी नष्ट हो गए में केवल दो एटीपी अणु ही बचते हैं तो यहां पर जो यह क्रिया होती है इस पूरी क्रिया को हम अनाक्षण कहते हैं अब क्या होता है अब जो दो पार्विक अम्ल के अणु यहां पर बन रहे हैं ये दोनों अणु फिर से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फिर से ग्लूकोज से क्रिया करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं जीवाणुओं के अंदर कवकों के अंदर तो वहां पर कवक और जीवाणु में भी होता है अनाक्षी श्वसन और उनमें लैक्टिक अम्ल बनता है और साथियों यही जो एक पायरविक अम्ल का अणु बचता है वह हमारी मांसपेशियों में ग्लूकोज से क्रिया करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण दोस्तों सॉरी तो दोस्त जीवाणु दो, जीवाणु बनता है एथिल एल्कोहल साथ ही जीवाणु में क्या बनता है मतलब जो पहला पार्विक अम्ल होता है वो जीवाणुओं के अंदर ग्लूकोज से क्रिया करके दोस्तों क्या करता है वहां पर एथिल एल्कोहल का निर्माण करता है बैक्टीरिया में कवक में इन सब में बट हमारे अंदर ये लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है यानी जो पार्विक अम्ल बचता है वह फिर से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से क्रिया करता है और हमारी मांसपेशियों में क्या होता है लैक्टिक अम्ल जम जाता है और लैक्टिक अम्ल के जमने से ही हम थक जाते हैं इसके बाद साथियों अगला होता है दोस्तों अगला होता है ऑक्सी श्वसन अगर इस पर बात करें तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन साथियों इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह क्रिया यह ऐसी क्रिया होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में साथियों कहेंगे यह क्रिया कहेंगे यह क्रिया यह क्रिया कहा होती है यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी में होती है समझ गए ना और अगला पॉइंट कहेंगे कि इस क्रिया में इस क्रिया में क्रिया में ग्लूकोज का पूरा विखंडन होता है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन पूर्ण विखंडन होता है तो इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है साथियों और क्या बोलेंगे इस क्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है पूर्ण विखंडन होता है ग्लूकोज पूरा विखंडित तो हो जाता है साथियों और कहेंगे कि यह क्रिया यह क्रिया दो चरणों में दो चरणों में या दो स्टेप में होती है होती है साथियों पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और गलाइकोलिसिस कहां संपन्न होता है यह, यह संपन्न होता है कोशिका द्रव्य में यह संपन्न होता है कोशिका द्रव्य में और ग्लाइकोलिसिस में दो एटीपी के अणु बनते हैं ग्लूकोज के एक एक अणु के ऑक्सीकरण से दूसरा दोस्तों कहां होगा दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं क्रेप साइकिल साथियों इसको हम कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल जो क्रेप साइकिल होता है ना क्रेप चक्र यह माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होता है तो माइटो कॉन्ड्रिया दोस्तों एफ वन होता है दोस्तों वहां होता है इसमें क्रेप साइकिल होगी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है दोस्तों एटीएस होता है ठीक है ना और इसमें बनती है 36 एटीपी लेकिन अगर दोस्तों कहे ग्लूकोज के एक ग्राम अणु से कितने एटीपी बनता है तो कुल कहेंगे आप 36 एटीपी बनता है लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए कि किसन में कितना बनता है तो आप बताना वहां पर अड़तीस बनता है यानी छत्तीस और दो दोस्तों करेंगे ये बन जाएगा अड़तीस एटीपी एक जो है साथियों एक जो है में इतना एटीपी बनता है यही आपका स्वसन तंत्र था और यह टॉपिक समाप्त हुआ अब शुरू होगा आपका एक नया टॉपिक ब्लड जहां से बनने वाले सारे प्रश्नों पर हम विचार विमर्श करेंगे तो आज इतना ही धन्यवाद सभी को देखो टॉपिक बहुत टफ था लेकिन आशा करूंगा कि आप सबको समझ में आ चुका होगा तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीबडी जय हिंद अलाफ यू